दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर पैनल को बैटरी के साथ सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। पहले क्या करना है, हमको बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जो कनेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव का वायर को हमको यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का सिंबल दिया गया है सोलर चार्ज कंट्रोलर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्रू वगैरह है इसको पूरा टाइट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बैटरी का कनेक्शन होने के बाद सोलर पैनल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव में हमने रेड वायर को लगा दिया है और नेगेटिव में हमने ब्लैक वायर को लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोलर पैनल का सिंबल दिखाई देगा। सोलर पैनल से बैटरी तक क्या होगा, पावर सप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, अभी पावर सप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी फुल चार्ज है और धूप भी आज ज्यादा है। इसीलिए अगर इससे ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि 13 आ गया, तब जाकर के क्या करेगा, सोलर पैनल फिर से बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर का काम यही है कि बैटरी को ये ओवर चार्ज होने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब वो मिनिमम चार्ज हो जाएगा, यानी कि बैटरी का चार्ज अगर कम हो जाएगा, तब क्या करेगा, सोलर पैनल से फिर से बैटरी चार्ज होने लगेगा। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि पहले जो है बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा। बैटरी का कनेक्शन करने से यहाँ पे बैटरी का सिंबल आ जाएगा, उसके बाद सोलर पैनल का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन करना पड़ेगा। ये कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे सोलर पैनल का सिंबल आ जाएगा। इसको कनेक्शन करने के बाद आपका बैटरी जो है वो बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होता है। यहाँ पे देख लीजिए सोलर चार्ज कंट्रोलर में 14.9 यहाँ पे वोल्टेज अभी भी बैटरी का शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सोलर पैनल ले तो बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। जब भी आप लोग को जरूरत पड़े आप लोग जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।